केसरगंज सीट पर सस्पेंस बरकरार, कटेगा ब्रजभूषण शरण सिंह का पत्ता। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले के चलते अटकी ब्रजभूषण की दावेदारी, किसे टिकट देने पर विचार कर रही है बीजेपी। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में गोंडा जिले की केसरगंज सीट इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। यहां से नामांकन भरने की आखिरी तारीख 3 मई यानी कल है, लेकिन बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव के लिए सीट पर अब तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। बता दें केसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह इस सीट से सांसद हैं, वहीं विपक्षी दल भी बीजेपी के पत्ते खोलने का इंतजार कर रहे हैं। इस सीट पर अब तक सस्पेंस बरकरार है। अब सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। खबर है कि बीजेपी मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को केसरगंज से टिकट दे सकती है। हालांकि पार्टी की तरफ से इसे लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वो बीजेपी के नहले पर दहला मारने की तैयारी में जुटे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान के ब्रजभूषण शरण सिंह से इस बारे में बात भी हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी भी इसी बात का इंतजार कर रही है कि बीजेपी किसे चुनती है। सपा पहले ही कह चुकी है कि अगर बीजेपी ने केसरगंज से ब्राह्मण को उम्मीदवार बनाया तो वो ठाकुर को टिकट देंगे। यही वजह है कि उसने भी अब तक इस सीट पर किसी चेहरे को नहीं उतारा। केसरगंज यूपी की सबसे हॉट सीट मानी जाती है, इसलिए सबकी निगाहें इस सीट पर टिकी हुई हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि जिनको टिकट देने के कयास लगाए जा रहे हैं वो कौन हैं। दरअसल करण भूषण भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे हैं। करण भूषण सिंह का जन्म 13 दिसंबर 1990 को हुआ। करण भूषण सिंह की एक बेटी और एक बेटा है। वो डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक भूषण विदेश से पढ़े लिखे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। वर्तमान में वो करण भूषण सिंह उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और वो पहली बार कोई चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि करण भूषण कल यानी 3 मई को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं।